नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है अलकनंदा उपतंत्र। हमारे जो कुछ जो हमारी वीडियो चल रही हैं, जो हमारा विषय है उन वीडियो में, वो चल रहा है क्या उत्तराखंड की नदियाँ। उत्तराखंड की नदियों को हमने तीन भागों में विभाजित किया है, ठीक है। किसमें? गंगा नदी तंत्र में, यमुना नदी तंत्र में और काली नदी तंत्र में। और हमारा अभी क्या चल रहा है? गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र को हमने तीन भागों में विभाजित किया था, कौन सा बताइए जरा? भगीरथी उपतंत्र, अलकनंदा उपतंत्र और नयार उपतंत्र। तो भगीरथी उपतंत्र हम पढ़ चुके हैं, आज पढ़ रहे हैं क्या अलकनंदा उपतंत्र के बारे में। ओके, उपतंत्र तो समझ रहे हैं ना? उपतंत्र मतलब इसमें बहुत सारी नदियों के साथ अलकनंदा, अलकनंदा नदी ये है और जो बहुत सारी इसमें नदियां मिल रही है, तो पूरा का पूरा की सिस्टम बना हुआ है। अकेले जो अलकनंदा में पानी है, केवल अलकनंदा नदी का नहीं है, बहुत सारी नदियों का इसमें सहयोग है, सहायक नदियां हैं। तो अलकनंदा प्लस जो उसकी सहायक नदियां हैं वो क्या कहलाएगा? पूरा का पूरा अलकनंदा उपतंत्र। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी जो है सतोपंत शिखर के, ये है सतोपंत शिखर। हाँ, एक चीज पढ़ लेते हैं पहले। देखिए मुत्रा, हम उन्हें उत्तराखंड के जिले हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां ये कौन सा है? पिथौरागढ़, चमोली, यहां क्या था? उत्तरकाशी। एक बार रिप्लाई कीजिए भाई, उत्तर की तरफ सीमा बनाने वाले तीन जिले पढ़े थे ना, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी के नीचे हमने पढ़े थे दो जिले, उत्तरकाशी के नीचे दो जिले कौन कौन से? लैंडलॉक्ड है जो, यस, रुद्रप्रयाग। ये कौन सा है? रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग के बाद कौन सा है? इधर कौन सा आएगा इसके नीचे भाई, यहां तक है ना ये, तो ये कौन सा आएगा? टिहरी। कौन सा आएगा? टिहरी गढ़वाल। और ये इधर आएगा कौन सा? पौड़ी गढ़वाल, ठीक है जी। तो उत्तरकाशी के नीचे कौन से पड़े थे? टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग। तो ये चमोली है हमारा, ठीक। तो अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है चमोली जिले में है। देखिए, अलकनंदा जो नदी है सतोपंत शिखर के, सतोपंत शिखर के अलकापुरी बांक ग्लेशियर से, सतोपंत शिखर के अलकापुरी बांक ग्लेशियर से ये निकलती है। कहां से? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, रिप्लाई कीजिए, कहां से? कहां से बोलिए जरा? यस, सतोपंत शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद से इसका उद्गम स्थल है, सतोपंत शिखर के अलकापुरी बांक बांक ओके ग्लेशियर से। अब ये यहां से निकली तो यहां एक गड्ढा है बहुत बड़ा, और इसका कुछ पानी कहां गिर गया? उसमें भर गया। तो इसको बोलते हैं सतोपंत ताल, सतोपंत ताल, ठीक है। इसको शी सागर भी कहते हैं, सतोपंत ताल या शी सागर। जब ये गड्ढा भर गया तो पानी आगे चल गया फिर, ओके। ये पानी आगे चला तो इसमें मिली लक्ष्मण गंगा। कौन सी मिली? लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा को हेम गंगा या पुष्पावती भी कहते हैं। लक्ष्मण गंगा के दूसरे नाम बताइए जरा। यस, हेम गंगा या पुष्पावती, हेम गंगा या पुष्पावती, लक्ष्मण गंगा इसमें आकर मिली, ठीक है। ये रेड वाली अलकनंदा चल रही है। इसके बाद ये केशव प्रयाग जब पहुंची तो केशव प्रयाग में यहां इससे मिल रही है सरस्वती नदी। कौन सी मिल रही है? सरस्वती नदी। कौन सी मिल रही है? रिप्लाई कीजिए जरा एक बार। यस, सरस्वती नदी। इससे पहले कौन सी मिली? लक्ष्मण गंगा, ये सरस्वती। अब सरस्वती नदी कहां से निकल रही है? सरस्वती निकल रही है माणा दर्रा के पास। दर्रे थे ना, दर्रे भी पड़ेंगे। माणा दर्रा के पास, माणा दर्रा के पास क्या है? कामेट चोटी है। माणा दर्रा के पास क्या है? कामेट चोटी। भारत की जो ऊंची चोटियां हैं इसी बेल्ट में है, ठीक है ना। तो ये हिमालय वाली बेल्ट है। तो माणा दर्रा के पास कामेट चोटी है, और कामेट के पास ये है रत्ता कोना, ये ब्लू जो सर्कल बना रखा है यह रत्ता कोना। और रत्ता कोना में है देवताल, रत्ता कोना में है देवताल, वहां से सरस्वती नदी निकल रही है। तो कहां से? माणा दर्रा के पास कामेट चोटी है, माणा दर्रा के पास कामेट चोटी है, ओके।
कामेट चोटी के रत्ता कोना के देवताल से सरस्वती नदी निकल रही है और केशव प्रयाग में जाकर मिल रही है। तो केशव प्रयाग में कौन सी मिली? यस सरस्वती। रिप्लाई कीजिए, केशव प्रयाग में कौन सी? सरस्वती। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये पहुंचते हैं विष्णु प्रयाग। कहां पहुंचते हैं? विष्णु प्रयाग। ठीक है, कहां पहुंचते हैं? बद्रीनाथ भी यहीं पड़ेगा, बद्रीनाथ भी इसके पास ही पड़ेगा, बद्रीनाथ भी ही पड़ेगा। ओके, अलकनंदा के थोड़ा सा पास को। अब पहुंचे विष्णुगिरिया, विष्णु प्रयाग। अब जब विष्णु प्रयाग में इससे मिली धौली गंगा। विष्णु प्रयाग में कौन सी मिल रही है? धौली गंगा। केशव प्रयाग में कौन सी मिल रही है? सरस्वती। केशव में सरस्वती, विष्णु में धौली। केशव एक ही पर्यायवाची है विष्णु भगवान के, तो केशव में सरस्वती और विष्णु में कौन सी मिली है? धौली गंगा। देखिए धौली गंगा भी दो है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। धौली गंगा दो है, ये है पश्चिमी धौली गंगा, एक है पिथौरागढ़ में बह रही है धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा, गोरी गंगा। ठीक है, तो यहाँ एक धौली गंगा बह रही है, वो है पूर्वी धौली गंगा, यह है पश्चिमी धौली गंगा। ओके, सरस्वती मिल गई, विष्णु प्रयाग में कौन सी मिल गई? धौली गंगा मिल गई। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद यहां पहुंचे गोपेश्वर। तो गोपेश्वर से थोड़ा सा पहले इसमें मिली वीरी गंगा या विरथी, वीरी गंगा या विरथी, हालांकि उतनी महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन बता देते हैं। नंद प्रयाग पहुंचे तो नंद प्रयाग में मिली नंदाकिनी। नंद प्रयाग में कौन सी मिली? नंदाकिनी। और कर्ण प्रयाग में मिली पिंडर। देखिए इसमें अणे हैं, इसमें अणे हैं। कर्ण प्रयाग में कौन सी मिलेगी? पिंडर। नंद प्रयाग में नंदाकिनी। ओके, और पिंडर का दूसरा नाम कर्णगंगा भी। पिंडर का दूसरा नाम कर्णगंगा, पिंडर का दूसरा नाम बताइए। यस, तो केशव प्रयाग में कौन सी मिल रही है? रिप्लाई सरस्वती। विष्णु प्रयाग में कौन सी मिल रही है? रिप्लाई धौली गंगा। नंद प्रयाग में, नंद प्रयाग नंदाकिनी। उसके बाद कर्ण प्रयाग में पिंडर, कर्ण प्रयाग में पिंडर। अब कर्ण प्रयाग से आगे चलोगे तो रुद्र प्रयाग के पास से होती है गुजरेगी। तो रुद्र प्रयाग जो है, देखिए पूरा तो जिला है लेकिन जो रुद्र प्रयाग शहर है वही है। तो रुद्र प्रयाग में के पास इससे मिल रही है, इससे मिल रही है मंदाकिनी। रुद्र प्रयाग में कौन सी मिल रही है? मंदाकिनी। रुद्र प्रयाग में, यस रुद्र प्रयाग में मिल रही है मंदाकिनी। ओके क्लियर। अब आ जाओ अभी, ठीक है अभी ये बाएं तरफ वाली नदी आती है, अब दाएं तरफ वाली देखते हैं, हालांकि दाएं तरफ वाली हमने ऐड कर ली, कोई बात नहीं। तो देखिए यहां तुंगनाथ रुद्रनाथ है, यहां पर तुंगनाथ रुगनाथ, तुंगनाथ रुद्रनाथ, ठीक है पर्वत शिखर है। तो यहां से निकल रही बालखिल्य नदी। कौन सी? बालखिल्य नदी। कौन सी? बालखिल्य नदी। वेरी गुड, तुंगनाथ रुद्रनाथ से बालखिल्य निकल रही है, ध्यान रखना। ओके, इसके बाद गोपेश्वर, गोपेश्वर के बाद यहां निकल रही है नंदप्रिया के बाद गरुड़ गंगा। गरुड़ गंगा का ही दूसरा नाम क्या है? पाताल गंगा। गरुड़ गंगा का दूसरा नाम पाताल गंगा। तो यहां से महत्वपूर्ण कौन सी हुई? ये देखो दो ही बैठ रहे हैं, बालखिल्ये गरुड़ गंगा, बालखिल्ये और गरुड़ गंगा, और इधर है मंदाकिनी। ठीक, अब थोड़ा सा गहराई में जाते हैं, थोड़ा सा गहराई में। देखिए ये तो हमने पढ़ ली। ओके, अब ये पढ़ते हैं। देखिए जो धौली गंगा है, धौली गंगा, धौली गंगा जो है धौलागिरी की कुनगुल श्रेणी के, धौलागिरी की कहां से निकल रही है? कुनगुल श्रेणी से निकल रही है। धौलागिरी जो पर्वतमाला है उसकी कुनगुल श्रेणी से, ये कुनगुल श्रेणी मतलब कुनगुल पर्वतमाला श्रेणी से ये निकल रही है, और इसी में मिल रही है यहीं कहीं गणेश गंगा। ठीक है, धौली गंगा में कौन सी मिल गई? गणेश गंगा मिल गई, और इधर से इसमें मिलेगी गिरथी। ये विरथी था, ये गिरथी है। इधर से कौन सी मिल रही है इसमें? गिरथी। और गिरथी में एक नदी मिल रही है कियोगाड़, और जो निकल रही है बारा होती से। कहां से? बारा होती से। तो बारा होती से कौन सी निकली? कियोगाड़ नदी। ठीक है, बारा होती से कियोगाड़ नदी निकली और ये मिल गई कौन सी में? गिरथी। और गिरथी ये सारी की सारी किसमें? गिरथी भी किसमें मिल गई? धौली गंगा में। तो फाइनली क्या हो गया? धौली गंगा। धौली गंगा में इसकी एक और सहायक नदी है ऋषि गंगा। धौली गंगा की एक और सहायक नदी मिल रही है, उसका नाम है ऋषि गंगा। और जो गिरथी है वो निकल रही है घाट मिला दर्रा के पास से।
गिरथी जो है पिथौरागढ़ के घाट मिला दर्रा के पास से निकल रही है। ओके, 12 होती से इसने कियोगाड़ को साथ लिया। ओके, जो 12 होती से निकल रही कियोगाड़ इसमें मिली, उसके बाद ये धौली गंगा में और धौली के उधर गणेश गंगा। तो इधर गणेश गंगा, इधर गिरथी, गणेश गंगा मिल रही है, इधर गिरथी मिल रही है, गणेश गंगा और गिरथी। और ये नीति दर्रा के पास धौलागिरी की कुनगुल श्रेणी से धौली गंगा निकल रही है। तो धौली गंगा का भी उद्गम स्रोत हमें पता लग चुका है और इसकी सहायक नदियां भी पता लग गई। ऋषि गंगा भी धौली गंगा की सहायक नदी, और ये फाइनली कहां गई, विष्णु प्रयाग, और केशव प्रयाग में कौन सी, सरस्वती। आगे बढ़ते हैं, देखिए नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिल रही है, आराम से याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो नंदाकिनी है त्रिशूल पर्वतमाला के पास, नंदाकिनी जो है त्रिशूल पर्वतमाला के पास नंदा घुघुटी, त्रिशूल पर्वतमाला के पास नंदा घुघुटी से नंदाकिनी निकल रही है, और यह मिल रही है नंद प्रयाग। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जो पिंडर है जिसका नाम कर्ण गंगा भी है, पिंडर का दूसरा नाम कर्ण गंगा, जो कि कर्ण प्रयाग में मिल रही है, कर्ण प्रयाग कर्ण गंगा, ठीक है, ये निकल रही है, ये कौन सा जिला है जरा बताओ, बताइए जरा बताइए, इधर कौन सा था, बागेश्वर कौन सा था, यस ये है बागेश्वर। तो बागेश्वर में बिल्कुल उत्तर की तरफ से पिंडारी ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर से ही पिंडर नदी निकल रही है, और इसकी एक महत्वपूर्ण नदी, सहायक नदी है आटागाड़। ये बहुत ही तीव्र है, इसका वेग बहुत तीव्र है। अगर आपसे प्रश्न आए कि सबसे तीव्र वेग वाली नदी और आटागाड़ ऑप्शन, तो आंख मीचकर टिक कर दीजिए। ओके, तो आटागाड़ है, लिख दिया मैंने फास्ट। ओके, बहुत ही तीव्र गति से चलने वाली नदी है, और यहाँ पर इसमें किसकी सहायक नदी है, आटाघाट पिंडर की। अगर आपको ये मैप याद रहेगा, ठीक है, याद किया, 2-3 बार आप देख लेंगे तो पूरा छप जाएगा दिमाग में। ओके, कंसंट्रेशन के साथ, तो आपके आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीजें रट कर नहीं कर सकते। रटने का मतलब है कंफ्यूजन, रटने का मतलब है इन चीजों को कंफ्यूजन, ठीक है, तो समझे तो ज्यादा अच्छा। यहाँ क्या मिली, आटाघाट, यहाँ मिली धौली गंगा, धौली गंगा के इधर गणेश गंगा, इधर गिरथी, और गिरथी में मिली कियोगाड़, खत्म करें। यहाँ मिल रही है कौन सी, लक्ष्मण गंगा, सरस्वती, सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया और ये भी हो गया। अब कर्ण प्रयाग से आगे गई और रुद्र प्रयाग के पास इसमें मिली मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। तो जो मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी कहाँ से निकल रही है, मंदाकिनी नदी निकल रही है केदारनाथ के पास, मंदांचल श्रेणी से, मध्रांचल श्रेणी से, किससे निकल रही है, एक बार रिप्लाई कीजिए, यस केदारनाथ के पास, देख मध्रांचल श्रेणी, केदारनाथ यहां है, बद्रीनाथ यहां है। ओके, केदारनाथ यहां, बद्रीनाथ यहां। ओके, तो केदारनाथ के मध्रांचल श्रेणी से ये एम जो लिखे ना, मंदाकिनी है, यहां मंदाकिनी पूरा लिख दिया, ये मंदाकिनी कौन से ग्लेशियर से, चोराबारी ग्लेशियर, यस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, चोराबारी ग्लेशियर, चोराबारी, या कई बार इसको चोराबाड़ी भी बोल देते हैं, चोराबारी ग्लेशियर, चोराबारी ग्लेशियर से निकल रही है मध्रांचल श्रेणी के, ठीक है, ये चोराबारी से है, और ये कौन सा है, अलकापुरी बांक हिमनद से। ओके, ये सतोपंथ के है और ये है मध्रांचल श्रेणी के, कंफ्यूज होने की कोई जगह नहीं है बिल्कुल भी, कंपेयर करके पढ़ लीजिए, देखिए कंफ्यूजन खत्म करने का सीधा सा फंडा है, आप दो चीज को एक साथ रख लीजिए और जो डिफरेंस है उसको नोट कर लीजिए, खत्म कहानी। कंफ्यूजन किसी भी विषय में कंफ्यूजन हो, दोनों को कंपेयर कीजिए, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखिए, तो चोराबारी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी चली, और यहाँ सोन प्रयाग है, सोन प्रयाग एक जगह है, सोन प्रयाग में मिली वासुकी गंगा, सोन प्रयाग में वासुकी गंगा, सोन प्रयाग में कौन सी, वासुकी गंगा नदी मिली। ओके, सोन प्रयाग में कौन सी नदी मिल रही है, वासुकी गंगा, काली मठ में काली गंगा, काली मठ के पास कौन सी, काली गंगा, काली मठ के पास काली गंगा, और सोन प्रयाग में कौन सी, वासुकी गंगा, तो वासुकी गंगा मिली, काली गंगा मिली, एक है मारकंडा गंगा,
उखी मठ से थोड़ा सा पहले, यहाँ उखी मठ है, ओके यहाँ है उखी मठ, तो मारकंडा गंगा ये इसके बाद मिल गई, ओके यहाँ है उखी मठ, और इसके बाद ये मंदाकिनी और ये रुद्रप्रयाग के पास मिल गई अलकनंदा। ध्यान रहे अलकनंदा जो है, अलकनंदा भगीरथी से ज्यादा पानी लाती है, और अलकनंदा जब यहाँ आगे चली तो ये अब देखे ये जो ये ना बाउंड्री बन रही है, इसके इधर क्या है टीरी गढ़वाल है और नीचे क्या है पौड़ी गढ़वाल। इसके बाद ये कहीं यहाँ पर, ये यहाँ पर पहुंच जाएगी बाउंड्री, बाउंड्री पर दोनों की सीमा पर चलती रहेगी, और ये यहाँ देवप्रयाग में, कौन सा देव प्रयाग, देवप्रयाग में ये किससे मिल जाएगी, देवप्रयाग में किससे मिल जाएगी, यस किससे, भगीरथी से, और इसके बाद यहाँ ये कहलाएगी क्या, गंगा, क्या कहलाएगी, गंगा, ठीक है जी। इधर से फिर ये ऐसे टर्न हो जाएगी अंदर, ठीक क्लियर। देखिए कुछ और सहायक नदियां हैं अलकनंदा की, जो इतना स्पेस नहीं था कि बना पाए, तो एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अन्य सहायक नदियां इसकी वसुधारा, सोनधारा, देखो एक सोन गंगा थी, नहीं सोन प्रयाग में मिल रही थी, ठीक है, वासुकी गंगा। तो एक है वसुधारा, एक है वसुधारा और एक है सोनधारा, तो धारा धारा याद हो गया, वसुधारा सोनधारा किसकी सहायक नदी है, अलकनंदा की, ठीक है। कंचन अमृत और क्षीर सागर, नहीं कंचन अमृत और क्षीर, कंचन अमृत और क्षीर, एक सेकंड, ठीक है, गंगा ही है, कंचन गंगा अमृत गंगा शीर गंगा, कंचन गंगा अमृत गंगा शीर, कंचन अमृत शीर, कंचन गंगा अमृत गंगा शीर गंगा भी किसकी सहायक नदी है, अलकनंदा की। वसुधारा सोनधारा किसकी सहायक नदी है, अलकनंदा की। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं, सतोपंथ से लेकर यहां तक, कहां तक, देवप्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई कितनी है, यस 195, लगभग 200 किलोमीटर, याद कर लीजिए लगभग 200 किलोमीटर, 200 मोटा मोटा याद कर लीजिए, लगभग कितना 200 किलोमीटर, तो 200 आराम से याद हो जाएगा, एग्जैक्टली 195 है, कितनी है 195, लेकिन लगभग 200 किलोमीटर भी आप याद रखेंगे तो आपका उत्तर सही होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी, ठीक है। तो लगभग 200 किलोमीटर के आसपास सत्तोपंत से लेकर यानी कि अलकनंदा की जो पूरी लंबाई है, ओके। तो एक काम करते हैं, फटाफट मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप रिप्लाई करते रहिए। अच्छा ये बताइए अलकनंदा नदी कहां से निकल रही है, यस अलकनंदा कहां से, सत्तोपंत ताल, सत्तोपंत शिखर के, सत्तोपंत शिखर, यस सत्तोपंत शिखर से निकल रही है, ओके। कौन सा हिमनद है, यस वेरी गुड, अलकापुरी बांक हिमनद, कौन सा, अलकापुरी बांक हिमनद। अगर मैं पूछूं मंदाकिनी नदी कहां से निकल रही है, कौन सा ग्लेशियर है, कौन सा हिमनद है, यस चोराबारी, कौन सी श्रेणी है, मद्रांचल श्रेणी, वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं धौली गंगा कहां से निकल रही है, कौन सी श्रेणी से, यस धौली गंगा, धौलागिरी, धौली गंगा धौलागिरी की कुंगल श्रेणी, धौली गंगा धौला, धौली धौला, धौलागिरी की कुंगल श्रेणी से निकल रही है, ओके। मैं अगर पूछू नंद प्रयाग, ओ सॉरी सॉरी, नंदाकिनी नदी कहां से निकल रही है, नंदाकिनी, तो नंदाकिनी कहां से निकल रही है बताइए जरा, यस त्रिशूल पर्वतमाला के पास, कौन सी जगह, यस 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 नंदा घुघटी, नंदा घुघटी से निकल रही है। अगर मैं पूछूं पिंडर कहाँ से निकल रही है, वेरी इजी, बागेश्वर में बिल्कुल उत्तर की तरफ चले जाइए, पिंडारी ग्लेशियर है, पिंडर ग्लेशियर है, और वहीं से ही ये हमारी पिंडर नदी निकल रही है, तो क्लियर। अच्छा अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लीजिए आप, क्वेश्चन इसको देखने के बाद आप प्रश्नों का उत्तर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, एकदम स्ट्रांग बढ़िया वाला, जिसको बोलते हैं रियल स्टडी। तो क्वेश्चन ये लिखे फटाफट कि अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल बताइए, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल बताइए,
मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल बताइए। धौली गंगा का उद्गम स्थल बताइए। नंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल बताइए। पिंडर नदी का उद्गम स्थल बताइए। ओके, किओगाड़ किसकी सहायक नदी है? पाताल गंगा का दूसरा नाम बताइए। सोन प्रयाग में मंदाकिनी से कौन सी नदी मिलती है? कालीमठ में मंदाकिनी से कौन सी नदी मिलती है? ऋषि गंगा किसकी सहायक नदी है? जो डायरेक्ट जो जिसमें पहले मिल रही है उसका नाम लिखना है, ठीक है? अलकनंदा की तो सारी है ही, जिसमें पहले मिली है। ऋषि गंगा किसकी सहायक नदी है? सबसे तीव्र गति से बहने वाली नदी का नाम बताइए। वेरी गुड। सतोपन से लेकर यानी कि इसके उद्गम स्थल से देवप्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई कितनी है? देवताल कहां स्थित है? सतोपन ताल कहां स्थित है? कहां मतलब किस जिले में? ठीक है। अच्छा, पिछला जो अध्याय पढ़ा था उसके भी कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो क्वेश्चन भी लिखिए, ठीक है? जैसे ये बताइए, रुद्रगंगा नदी का उद्गम स्थल बताइए। रुद्रगंगा नदी का उद्गम स्थल बताइए। केदार ताल कहाँ स्थित है? डोडी ताल क्यों प्रसिद्ध है? डोडी ताल से कौन सी नदी निकलती है? भैरो घाटी में भगीरथी से कौन सी नदी मिलती है? भगीरथी का उद्गम स्थल बताइए। भिलंगना नदी भगीरथी में जहां मिलती है उस स्थान का नाम बताइए। कौन सा प्रयाग है? बुद्धा केदार का दूसरा नाम बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, पिछले चैप्टर के भी हो गए और इस वाले अध्याय के भी चैप्टर हो गए। ओके, तो अंत में मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं, जगह जगह हर न्यूज़पेपर में पर्यावरण के बारे में कुछ ना कुछ हमें दिखता है, ठीक है ना? हम सुनते रहते हैं। पर्यावरण जो है, अगर आप ये समझ लीजिए, अगर यह पर्यावरण नहीं रहा तो हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। पर्यावरण नहीं रहा तो हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। पशु पक्षी सब मर रहे हैं प्रदूषण की वजह से, हम लोग भी, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं हम लोगों को भी। आप अगर डाटा देखते होंगे तो आपको पता है एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमारा स्थान क्या है। देखिए, हम सभी लोगों को अपने अधिकार तो पता है, हम सभी को अपने अधिकार पता है, लेकिन हमें अपने कर्तव्य कर्तव्य नहीं पता। सबको अपने अधिकार मालूम है, सबको ए टू जेड, सबको कि हमें ऐसा मिलना चाहिए, ये सुविधा होनी चाहिए, ठीक है ना? लेकिन हमें अपने कर्तव्य बहुत कम लोगों को मालूम है। देखिए, मेरा आपसे मात्र यही निवेदन है कि अगर संभव हो तो पर्यावरण के लिए अवश्य कुछ कीजिए। अगर हो सके तो, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप बड़े पौधे लगा सकते हैं, और लगाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी करनी है, अन्यथा उनको जीव जंतु खा जाएंगे।
लेकिन अगर आप शहरी क्षेत्रों में हैं तो आप छतों पर अपनी छत पर बड़े ड्रम में मिट्टी भर के ऐसा पौधा लगा सकते हैं जिनकी हाइट कम से कम 7, 8 या 9 फीट तक जा सकती हो। आप एक रेडीमेड आजकल क्या आते हैं, बर्ड्स के घोंसले बने हुए आते हैं, बर्ड्स के पक्षियों के घोंसले बने हुए आते हैं रेडीमेड, तो 50-60 रुपये का आता है, तो आप उसे लगा उसको खरीद कर कहीं भी किसी भी पेड़ पर लगा सकते हैं। और पक्षियों के लिए तो बहुत सारे पानी रखते ही हैं, उनके लिए दाना वाना भी डालते हैं। तो मात्र मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि आप भी पर्यावरण के लिए, अपने देश के लिए जरूर कुछ ना कुछ करें। जब आप ऐसा करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग महसूस होगी, एक आपका आत्मविश्वास एक मजबूत होगा, आपको लगेगा कि मैं भी महानतम व्यक्तियों में से एक हूँ। तो मात्र मेरा इतना निवेदन है, ऐसे काम निरंतर करते रहिए ताकि जो हमारा पर्यावरण है वो सुरक्षित हो पाए। हम लोग करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी जरूर करेगी। जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं वो इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, ठीक है। हालांकि हम लोग बहुत सारा इग्नोर भी करते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी कहीं ना कहीं पत्तियों में आग लगा रहे हैं, कूड़े में आग लगा रहे हैं, तो ये सब चीज़ भी हो रही है। लेकिन हमें से हम हर एक को मना तो नहीं कर सकते, समझाएंगे तो लड़ने लग जाए हो सकता है, लेकिन खुद अपने स्तर पर भी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मेरा बस आपसे ही निवेदन है, जितना संभव हो पर्यावरण के लिए जरूर कुछ ना कुछ योगदान करें। और मेरा ऐसा भी विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करते होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।